बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। दोस्तों, सनी देओल की गदर 2 ने फाइनली KGF चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया और बहुत ही जल्द ये फिल्म पठान का रिकॉर्ड भी तोड़ने को तैयार है, क्योंकि यहाँ पर गदर 2 अपने तीसरे हफ्ते में भी करते जा रही है धमाकेदार कमाई। तो आज हम बात करेंगे गदर 2 के टोटल कलेक्शन के बारे में। फिल्म आज बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपए कमा रही है? सनी देओल की फिल्म गदर 2 को तूफान कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर गदर 2 की कमाई दिन पे दिन इतनी खतरनाक होती जा रही है, जिसे देखकर साफ पता चल रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रिकॉर्ड बनाएगी जिसे तोड़ने के लिए गदर 3 या बाहुबली 3 बनानी पड़ेगी। क्योंकि फिल्म ने पहले 2 हफ्तों में अच्छा खासा कलेक्शन किया था, वहीं तीसरे हफ्ते में भी इस फिल्म ने जो कमाई है वो पूरी तरह से लाजवाब रहे। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर गदर 2 के अब तक का टोटल कलेक्शन के बारे में, तो सुपरस्टार सनी देओल की गदर 2 ने शुरुआती 15 दिनों में 426 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई की थी, वहीं 16वें दिन 13 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए। तो 17 दिन फिल्म का कलेक्शन लगभग 17 करोड़ 40 लाख रुपए का रहा। वहीं यहां पर गदर 2 फिल्म 18वें दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपए कमा रही है। इसी के साथ गदर 2 का जो ऑल इंडिया नेट कलेक्शन है वो 462 करोड़ रुपए जैसे लाख रुपए का हो रहा है। वहीं इंडिया ग्रोस कलेक्शन 552 करोड़ रुपए। बता दें आपको कि फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी विदेशों से 57 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, और इसी के साथ गदर 2 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 609 करोड़ रुपए का हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, गदर 2 दुनिया भर में 609 करोड़ रुपए की कमाई करके ऑल टाइम जो बास्टर बन चुकी है। तो यहाँ पर तीसरे हफ्ते के अंदर ही फिल्म ने 600 करोड़ का आंकड़ा तो पार कर लिया है। अब देखते हैं कि फिल्म का फाइनल कलेक्शन और कहाँ तक जाता है, लेकिन इतना तो कंफर्म होता है कि गदर 2 का जो फाइनल कलेक्शन है वो 1,017,00,000 रुपए वर्ल्ड वाइड मार्केट में रहेगा। वहीं इंडिया नेट कलेक्शन के मामले में यह फिल्म लगभग 500 से 550 करोड़ रुपए कमा सकती है। बाकी आपको क्या लगता है गदर 2 का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहेगा, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी फिल्मों से रिलेटेड ऐसी ही अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।